वाह वो देखो भाई क्या मस्त। और हमें यहाँ जाना है भाई, इसके ऊपर चलेंगे और वहाँ से पूरा तेहरान का व्यू देखेंगे। ओ भाई साहब ये ना लगाओ तो मैं तो वापस खोल लेता, क्योंकि बहुत डर लग रहा है, ज़्यादा हिल रहा है। खुला हुआ एरिया है और कुछ नज़ारा उधर पहाड़ वगैरह देख रहे ऊपर भाई, वो पूरे पहाड़ है। यहाँ से भी बिल्कुल सिटी दिख रही है, देख रहे हो भाई वो पूरा। फाइनली आ गए भाई और मिल गया है एक लोकल में थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वो भी इसी रूट पे जाना था, उनके साथ में चला आया और वो आगे निकल गया, मैं उतर गया। पीछे मोहतरमा है, थोड़ा उनसे हेल्प लिए, वो मुझको लेके जा रहे हैं मतलब उस प्लेस तक, मतलब पहाड़ तक। एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे एक्सिट गेट है निकलने के, लेफ्ट राइट इधर उधर, वो कन्फ्यूजन होती है, वो टाइम वेस्ट होता है इस पर। अब वेयर दिस पे, ओके मैं इन्हीं से हेल्प ले रहा हूँ, ये मेरे को बता रहे हैं किधर जाना है। एंड ओके और कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई यहाँ का, खूबसूरत ब्यूटीफुल। मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छा है, निकलते बाहर। ओह डोंट नीड, ओके ओ वाह गुड भाई, टोकन लगाने की जरूरत। ओके यस हियर, ओके थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस। एंड भाई इधर है, चल रहे हैं और यहाँ तक लेके आए थे वो, क्योंकि रास्ते कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मेट्रो स्टेशन थोड़ा बड़ा है तो गेट वेट भी पता चलता है। और ये कुछ ये खूबसूरत मेट्रो लग रहा है, अच्छा है, जगह भी खूबसूरत होगी भाई। और मैंने सोचा है कि चलते हैं किसी अच्छे प्लेस पे और वहाँ से सिटी को ठीक से देखते हैं, मतलब हाईएस्ट प्लेस है वहाँ जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा टॉप पे चलेंगे, वहाँ से पूरे सिटी का 360 डिग्री मतलब व्यू देखेंगे। भाई आ तो गए मेट्रो से निकल के, सामने मेट्रो स्टेशन है बुर्ज मिलाद, मैं बताना भूल गया सॉरी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई नाम है उसका बुर्ज मिलाद है तेहरान, मतलब उसको कई नाम से जाना जाता है, वो आगे चलेंगे बताएंगे। मतलब मिलाद टावर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है वो टावर। मगर जाने का रास्ता भाई इधर से इलीगल है, नहीं जा सकते, बच्चे निकल जा रहे हैं मगर हम नहीं जा सकते, है कि पास में है तो लग रहा है टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी, तो वॉक करके चलते हैं। नज़ारा कुछ यहाँ का ऐसा है, मस्त है, और देखते हैं क्योंकि दूर नहीं है इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं लेंगे टैक्सी वगैरह, वॉक करके चलते हैं देखते हैं। और पास में बिल्कुल यहाँ से यदि रास्ता बना होता तो हम आराम से जा सकते थे चढ़ के वॉक करते हुए, मगर नहीं है। चल रहे सामने और भी लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट है, चल रहे वो लोग भी। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ओह नाइस। चल रहे भाई फॉलो करके, ये रूट जा रहा है स्टेयर, इसी को फॉलो करते, सब लोग जा रहे उधर ही। और फटाफट स्वीडन, ओ ग्रुप, ग्रुप चलते हैं, ये पूरा ग्रुप आया हुआ है टूर करने के लिए और हम भी इन्हीं के साथ में हैं, क्योंकि रास्ता सब लोग देख रहे थे कैसे चला जाए उधर की ओर। हाय बगल में देखते हैं भाई, और मस्त नज़ारा दिखेगा ऊपर से, और टाइम बहुत सही है, थोड़ा सा ऊपर तो हम आ गए तो तेहरान सिटी को हम यहाँ से देखेंगे और पूरा व्यू। खुला हुआ एरिया है और कुछ नज़ारा उधर पहाड़ वगैरह देख रहे ऊपर भाई, वो पूरे पहाड़। यहाँ एक गेट बना हुआ है और हाई है, हाईएस्ट इधर की ओर चल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सही है यही रास्ता है। टैक्सी नहीं बनती थी भाई, जो लोग दूर से आते हैं वो लोग टैक्सी वगैरह ठीक है, और सबसे अच्छा भाई ट्रांसपोर्ट ईरान के अंदर और स्पेशली तेहरान में मेट्रो बहुत बेस्ट है भाई। कुछ नहीं लगा, मतलब 5 रुपए में मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कम से कम 20 किलोमीटर मैप में दिखाया था जब मैं चला था, तो भाई 20 किलोमीटर और एक टैक्सी में अब तक भाई कम से कम 300-400 रुपये खर्च हो जाएंगे आते और 300-400 रुपये जाते, तो बहुत सेफ है भाई। तो कहते हैं वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मतलब ईरान के अंदर, मतलब बहुत सस्ता है। वाह वो देखो भाई क्या मस्त, पीछे पूरा का पूरा माउंटेन है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं अभी, और फर्स्ट टाइम ही देखूँगा क्योंकि पहला दिन है मेरा। गजब, जैसे जैसे चढ़ रहे हैं हाइट ऐसे है,
और हमें यहाँ जाना है भाई, इसके ऊपर चलेंगे और वहाँ से पूरा तेहरान का व्यू देखेंगे। बस भाई उसके नीचे आ गए, मतलब टावर के पास आ गए, माहौल तो एकदम सही हो रखा है काफ़ी, इतना तो नहीं पता था, इतना अच्छा माहौल होगा यहाँ का। और सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लोकल, और वहाँ कुछ म्यूज़िक वगैरह परफॉर्म हो रहा है, कैफ़े वफे है, जैसे कि आपको पता है कि हेलो एंड वाह, कुछ पूरा का पूरा मॉल टाइप का लग रहा है, मॉल तो नहीं है वैसे, और इधर क्या है पता नहीं लग रहा है, टावर में जाने के लिए वेटिंग एरिया है क्योंकि उधर लोग बैठे हुए हैं अंदर और हम शायद उल्टा आ गए। इधर भी कहीं ये स्टेयर जा रहा है, लोग आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये लोग उधर कोई शॉपिंग वॉपिंग का बना होगा, ये लोग जा रहे हैं। इधर भी कैफेटेरिया वगैरह है, और पहले फटाफट देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ है, क्योंकि सब लोकल मतलब फारसी में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है टिकट कहाँ पे है, तो पहले टिकट कंफर्म करते हैं, फिर तब तक आप नज़ारा देख लो भाई ये खूबसूरत, क्योंकि जब तक हम आएंगे हो सकता है कि थोड़ा सा डार्क हो जाए यहाँ पे, तो चलते हैं देखते हैं ऊपर कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा है भाई, कुछ पता ही चल रहा है काउंटर किधर है, और जहाँ जा रहा हूँ कुछ ऐसा कुछ आ जा रहा है, ये कुछ क्या है, कुछ थीम टाइप का बच्चों बच्चों के लिए कुछ बना होगा, और उधर कुछ काउंटर है मगर वो टावर को टिकट के लिए नहीं है, उधर भी जा रहे हैं फैमिली वगैरह सब है मगर उधर नहीं जाना है, मैं ऐसे आ रहा हूँ। और नीचे भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, ऊपर की ओर चलते हैं शायद ऊपर, हाँ टिकट टावर टिकट टावर टावर टिकट बाला, ओके थैंक यू। मैंने पूछा टावर टिकट वाले वाले उसे हाँ बोलते हैं यस बोलते हैं, कुछ और भी मीनिंग होता हो पता लगे वाले वाले बोला ऊपर जाने के लिए, इसे भी जा रहे हो आप तो चलते हैं, क्योंकि मेरे सामने ही ऐसे दिख रहा है ये वो जगह, और आ गए हम इधर, वाओ क्या बात है, क्या सीन रखा है, मस्त बहुत खूबसूरत है। और ये ऊपर इधर राउंड राउंड है, ये एक्चुअली रात में लाइट ऑन हो जाएगी तो और खूबसूरत लगेगा, और बगल बगल इस तरीके से वाटर फाउंटेन है क्या है ये दिख रहा है, इस तरीके से पानी गिर रहा है, लोग घूम रहे हैं, थोड़ा गार्डन टाइप का बना हुआ है, और इधर भी है, हम उधर से आ रहे हैं और पीछे वही माउंटेन वगैरह है, और यहाँ भी पानी है, शाम होगा हो सकता है कुछ फाउंटेन वगैरह चले, और ये है भाई टावर, वाह, और हमको इसी के टॉप में बिल्कुल वहाँ जाना है, चलते हैं। आज एक्चुअली फ्राइडे है और मुझे को लगा था पता नहीं क्या ऐसा इत्तेफाक है कि जब भी मैं कहीं से सिटी में एंट्री करता हूँ उस दिन फ्राइडे रहता है, आज भी फ्राइडे है तो मेरे लगा हो सकता है ये बंद होगा, मगर बंद नहीं है, खुला है यार। और ये क्या चल रहा है, रोबोट भाई, सही सिस्टम है बच्चों के लिए, और वो ड्राइव कर रहा है, रिमोट कंट्रोल नहीं है, खुद चला रहा है इसको, और काफ़ी मस्त नज़ारा है, वाह देख रहे हो भाई रोबोट टाइप का, उधर से सनलाइट आ रही होगी, और इधर भी सही सही देखने को मिल जाते हैं इस तरह के नई चीज़ें। नीचे बैटरी लगी है, ऊपर रोबोट है और वो बेबी खुद ड्राइव कर रही है, वाह रोबोट सही है बच्चों के लिए, एक ये है, और उधर भी कुछ लगे हुए हैं, देखते हैं क्या है, फिर अंदर चलते हैं, अभी टाइम है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सही है, दो लोग बैठ सकते हैं इस पे, और ये एक गाड़ी के साथ बड़े लोग भी चला सकते हैं, काफ़ी बड़ी है, बच्चों के लिए नहीं है वहाँ, मगर पूरी फैमिली चला सकती है इसको, पीछे दो लोग बैठ जाएंगे, आगे दो लोग बैठ जाएंगे, सेल्फ ड्राइव के लिए, और क्या बात है, अलग अलग थोड़ा विंटेज टाइप की लग रही है गाड़ियाँ, और पैडल है, मेरे को लगा शायद बैटरी ऑपरेटेड है बट ये एक्चुअली पैडल है, पीछे के लोग पैडल करेंगे, यहाँ भी पैडल यूज करेंगे फिर ये चलेगी, ये कैसे समझ में नहीं आया मेरे को, इतनी हैवी गाड़ी पैडल से चलेगी, और मीटर भी लगा हुआ है इस पर, मीटर स्टेयरिंग और दिखता कुछ ऐसा है,
प्रॉपर विंटेज गाड़ी है और सही है। क्या बात है, नज़ारा मस्त है। वहाँ दो लोग खड़े हैं, मेरे को लगा दो पुलिस वाले खड़े हैं, बट वो स्टैचू है, वो देखोगे आप सामने, वो एक स्टैचू बना है और बैठने के लिए बहुत ओपन स्पेस है, पूरा का पूरा देखोगे काफ़ी बड़ा स्पेस है, सारे टेबल्स लगी हुई हैं और हो सकता है अभी नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ फुल हो जाएगा। वहाँ पे जिराफ और वहाँ पे क्या बना हुआ है, टर्टल उधर है। नीचे हम नहीं जा रहे हैं और यहाँ से पानी पास होने के लिए जब चलेगा पानी तब है, बढ़िया नज़ारा है। और ये था यहाँ पे, ये बैंड, दो लोग हैं बैंड वाला ऐसा दिखाया गया है, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे स्टॉल है जो भी खुला नहीं है, ईरानी फ्लैग, और ये टावर का नीचे का वो, और ये है ऊपर भाई टावर। चलते हैं ऊपर की ओर, आ जाओ अंदर चले। और बस ये है कि ज़्यादा टिकट महंगा ना हो, वैसे महंगे टिकट नहीं होते यहाँ पे, सब कुछ सस्ता है, खाना भी सस्ता है, और 70-80-100 रुपये 150 रुपये में बढ़िया खाना खा सकते हो, मस्त खाना, मतलब बहुत सस्ता है भाई। और टिकट वगैरह भी ऐसा ही होता है 100 और 200, मतलब मान लो आपका वही बनता है 60-50 रुपये इस तरह का है। और ये आइसक्रीम पार्लर है, बंद है अभी, जेली वगैरह इस तरह है। एंट्रेंस गेट किधर है भाई? अरे भाई ये जो टावर है, मतलब मिलाद टावर है, इसको कई नाम से भी जानते हैं, तेहरान टावर भी आप बोल सकते हो, और बुर्जे मतलब मिलान टावर ये भी बोलते हैं, तेहरान टावर बोलते हैं, तो कई नामों से टावर जाना जाता है। अभी म्यूजिक चल रही है यहाँ पे, और आवाज़ आएगी नहीं, पीछे बहुत तेज म्यूजिक चल रही थी, इसी के ऊपर है वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक चल रही है, स्क्रीन वगैरह लगा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो टावर है, मतलब मिलाद टावर है, तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था भाई 1997 में और ख़त्म हुआ भाई 2007 में, मतलब इसको बनते बनते भाई 11 साल 7 महीने लग गए थे इस टावर को कम्प्लीट होते होते, तो बहुत टाइम लगा इस टावर को बनने के लिए। और भाई इसकी जो लागत आई थी वो 266 मिलियन तोमान इसकी लागत आई थी बनने में। अभी अभी देखा भाई यहाँ पे जिप लाइन और कुछ रोपवे टाइप का बना हुआ है, मतलब चलने के लिए स्विंग जैसा वो, और लोग वहाँ पे चल रहे हैं, बट मैं जैसे ही आया देखा तो यहाँ पे ये क्लोज हो रखा है, और इसकी एंट्री शायद हो सकता है अपोजिट साइड उधर से, जो कि बहुत दूर है भाई, बहुत दूर से देखेंगे। अभी पहले दिखा दूं मैं लोग कैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और ये लोग चल रहे हैं इसी के ऊपर, और ये पूरा का पूरा लंबा, और नीचे भाई गहराई है काफ़ी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसी में एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये आ गए हम भी, सब लोग जा रहे वापस और हम इधर जा रहे हैं, मगर मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत हिल रहा है, और मैं ये मेरा थर्ड टाइम है, इससे भी डेंजरस मैं चला हूँ दूसरी कंट्री में, और अभी तो अभी स्टार्टिंग में है मगर हिलना स्टार्ट हो गया है ये, और रियलिटी यार चला नहीं जा रहा है, और पकड़ना पड़ेगा, मतलब अब होल्ड करना पड़ेगा इसको, अभी तो मैं होल्ड नहीं किया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ज़्यादा हिलना स्टार्ट हो गया है, और वाकई हिल रहा है। ओहो भाई साहब, ओहो बहुत हिल रहा है, इसमें लाइट भी लगी हुई है इसके, मतलब जहाँ हमने होल्ड किया है, और ओ भाई साहब ये ना लगा हो तो मैं तो वापस हो लेता, क्योंकि तो बहुत डर लग रहा है, ज़्यादा हिल रहा है, दूर से नहीं समझ में आ रहा था मगर अब हिल रहा है यार, वाह कुछ बच्चे बच्चे नहीं डर रहे भाई, जा रहे छोटे 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 बच्चे, चलते हैं भाई। ये रात भाई डर लग रहा है भाई, उधर ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, क्रॉस करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ से। हम भाई आधे से लौट आए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से वो एंट्री करा रहे हैं और उधर छोड़ रहे हैं, वहाँ से रोपवे बना हुआ है, तो रोपवे लेके आना पड़ेगा, और इधर से जा रहे हैं लोग, इधर चलते हैं। ये है एंट्रेंस, वाह दुबई वगैरह में भी ऐसा ही एंट्रेंस गेट होते हैं, किसी मॉल वगैरह में जाओ तो बिल्कुल ऐसे ही है, आप नहीं निकलोगे तो फिर उसी में घूमते रहोगे आप राउंड राउंड, मेरे साथ तो हो चुका है। तो
रशिया में मैं एक बार फंस गया था, इस पर ठंड थी, क्लास में पूरे वो लग गए थे फॉग और मैं घूमता ही रहा। ये है मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी चेक, कैमरा बंद। भाई इसी में एक बना हुआ था, एक कहते हैं कि मॉल जैसा अंदर बना हुआ है। भूख लगी है, मुझे लगा कुछ खा लेना चाहिए यार आते। अच्छा बताना भूल गया कि मैं भाई वहाँ पे रोपवे नहीं गया, मैं इसे रोपवे नहीं गया क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत हिल रहा था ऐसे ऐसे, और हिलने जैसे कैमरा भी स्टेबल नहीं था, तो मैं फिर वहाँ कैंसिल कर दिया जाना। तो अभी पीछे एक्चुअली पुलिस वाले थे, तो भाई मैं आ गया भाई, एक उसी के बगल में लगा हुआ मॉल था, खूबसूरत सा। पहले भी मैं एंट्री किया था, फिर वापस चला गया था मैं यहाँ से, क्योंकि टिकट काउंटर सर्च कर रहा था मैं उस वाले में। भाई वॉक वाले पे नहीं गया, वो बहुत हिल रहा था ज़्यादा और कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई जब कवर नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर भाई आ गया मैं वहाँ से वापस और आ गया हूँ इस जगह पे, ये क्या है, किस फ्लोर पे आ गया हूँ, और नीचे कुछ ऐसा सीन हो रखा है भाई। वहाँ पे एलिवेटर है और बढ़िया पानी का नज़ारा, मॉल है कोई इसी के अंदर, और सर्च कर रहा हूँ मैं कि भाई कुछ खाने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय पिया है, चाय पी के निकला हूँ मैं। कुछ देखते इधर कुछ मिल जाता है ऑप्शन, फलाफल वगैरह यही मैक्सिमम मिलता है। उल्टा जा रहा है एस्केलेटर और यहाँ पे किसी हम इस सेक्शन पे आ गए हैं, और रेस्टोरेंट दिख तो रहा था बाहर से भाई, अभी किधर चला गया, लोग बैठे थे वहाँ पे, और ये सब वुडन वगैरह के हैं बने हुए, कलाकारी तो भाई यहाँ ईरान के अंदर पूछो मत, और कोई जवाब नहीं है ये सब। ये तो मशीन से बने हुए हैं बट फिर भी बहुत खूबसूरत है, वाओ प्रीमियम लुक, क्या बात है। हम चल रहे हैं इधर, और मैंने पूछ लिया वहाँ सिक्योरिटी को, चेक कर रहा था, मैंने पूछा कि कोई मसला नहीं, दिक्कत नहीं, तो बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर से दिखा दूं मैं कुछ ऐसा, ये मॉल के पीस सेंटर पे बना हुआ है, हम ऐसे ही आए थे लेकर एस्केलेटर और चलते हैं। तो बता दिया मैं भाई, वो बहुत हिल रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई वो बहुत ज़्यादा, बच्चे उच्चे थे वहाँ पे बहुत खेलने लगे थे, दौड़ रहे थे, तो हिलने लगा, इसलिए मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया वो वॉक करने वाला। और जो उसका टिकट था वो भाई 250। और कहाँ घूम रहा हूँ मैं, जाना कहाँ है, घूम के फिर वहीं आ गया, पता नहीं कहाँ चला गया यार रेस्टोरेंट। ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, लग रहा है मैं कंफ्यूज था, क्योंकि ये ओपन एरिया है पूरा का पूरा, बाहर से दिख रहा था कि लोग बैठे हुए हैं कुछ खा रहे हैं, फिर अपना पर्सनल कुछ लाए थे वो खा रहे होंगे, और यहीं बैठे हुए थे, और ये बाहर से दिख रहा था भाई, मैं इधर था यहाँ पे, और यहीं से दिख रहा था कि लोग यहाँ बैठे हैं खा रहे हैं, तो मेरे को लगा शायद ये रेस्टोरेंट होगा, तो रेस्टोरेंट नहीं है ये, और बाहर नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न हो गई थोड़ा सा। और चलते हैं नीचे फटाफट, रेस्टोरेंट्स होंगे छोटे छोटे अंदर होंगे, मगर मेरे को वैसी जगह नहीं जानी है, मुझे कुछ अपने टाइप की चीज़ खानी थी, देख रहा हूँ एग्ज़िट, एग्ज़िट किधर से है, क्या बात है, यहाँ से भी बिल्कुल सिटी दिख रही है, देख रहे हो भाई वो पूरा, वहाँ टिकट नहीं था अंदर, वो कुछ और एरिया है, बाद में चलेंगे वहाँ पे, टिकट बैक साइड है, मतलब इधर कहीं बताया जहाँ मैं जा रहा हूँ, और मतलब ऐसे ही होते हुए जा रहा हूँ, इधर से वैन वगैरह फूड वैन लगेगी, हम नज़ारा मस्त है भाई, यहाँ से भी सही दिख रहा है बिल्कुल। और इधर बताया है, इधर भेजा है मेरे को टिकट के लिए, और देखते हैं किधर गेट है भाई, टिकट गेट खोज रहा हूँ, अंदर था, अंदर टिकट नहीं है, बोला बाहर जाओ, मतलब बाहर की तरफ कहीं पे काउंटर बना हुआ है, तो बाहर चल रहे टिकट, फटाफट टिकट लेते फिर ऊपर चलते हैं भाई। भाई यार इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना एक्सपेंसिव टिकट होगा, और $25 है भाई नॉर्मल, मतलब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में आप जाओगे तो $25 का, जो कि अभी मैंने बोला है कुछ देर पहले कि टिकट वगैरह यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, जैसे ही बोला वैसे ही टिकट, पहली बार मेरे को पूरे ईरान के अंदर ये हाई टिकट लगा, $25 इतना तो कहीं नहीं था टिकट, कहीं भी आप जाओ किसी भी एक्टिविटीज़ करो $25 ही, वो भी नॉर्मल है, केवल आप एंट्री करोगे, बाकी दूसरा था कोई $30-$35 करके था, तो भाई $35 और $25 तो बहुत ज़्यादा होता है। $25 का मतलब है कि मैं भाई ईरान के अंदर मैं 4 से 5 दिन में स्टे कर सकता हूँ, मतलब होटल का और गेस्ट हाउस का चार्ज है, तो यार ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कुछ देर सोचा पहले कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर मेरे को लगा कि यदि $25 मान लो देते हैं और कुछ भी होता उसके अलावा, एक्टिविटीज़ कुछ अंदर होती तो भाई तो ठीक भी होता,
केवल वो बस ऑब्जर्वेशन डेक है, और वो भी यार अभी पता चला है कि वो ग्लास से पूरा पैक कर दिया गया है। शायद पहले खुला हुआ था तो आप बाहर आराम से देख सकते थे, अब उसको पैक किए हैं ग्लास से बिल्कुल। तो ये बड़ा पंगा है, ऐसे कई जगह मेरे साथ हुआ है, मैंने टिकट लेके अंदर गया हूँ और वो ग्लास से पैक है, ग्लास गंदा वगैरह हो रखा है, डस्ट वगैरह उसके अंदर है, बाहर ठीक से कुछ दिखता नहीं है, और फिर फोटो भी ठीक से बाहर की नहीं आती है। और जो आप लोगों को मेनली जो दिखाना है भाई कि ऊपर से जो व्यू 360 पूरे ये तेहरान का, फिर वो अच्छे से ग्लास से भाई दिखेगा नहीं, वो काफ़ी अभी दिखा मेरे को बड़ी हाइट है, हाफ नहीं है, काफ़ी फुल ग्लासेस है। ये सब चीज़ें सोच के फिर मैंने उसको भाई कैंसिल कर दिया। शाम हो गई है भाई और लाइट वगैरह ऑन हो गई है, नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है, और चल रहे हैं इधर दूसरे साइड चलकर दिखाते हैं आप लोग को सिटी का व्यू पूरा का पूरा सब तरफ से। अभी हम पहले उस साइड थे, अब सेकेंड इधर अपोजिट साइड पर आ रहे हैं, और यहाँ पर बैठने उठने का ऐसे बना हुआ है, लोग बैठ जाते हैं, और चलते इधर उधर। लाइट वगैरह ऑन हो गई यहाँ पे, आप देखेंगे पूरा का पूरा इधर ये, और कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरी लाइट वगैरह और ये ऊपर भी ऑन हो गई है वहाँ पे जहाँ हमको जाना था और हम नहीं गए। कोई बात नहीं भाई, और क्योंकि टिकट बहुत महंगा था इसलिए नहीं गए, मैंने ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन कम दिखा रहा था, मतलब यहाँ लोकल का दिखाऊँ तो मैं 100 दिखा रहा था 100, मगर ये बहुत डबल ट्रिपल बता रहे थे भाई टिकट, $35 ज़्यादा बोले, रेट बढ़ गया होगा, ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ होगा। तो बस बाहर निकल रहे इधर की ओर, और लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, यहाँ से निकल आया हूँ भाई बाहर, वहाँ से चलता हूँ फटाफट और मेट्रो लेते हैं और निकलते हैं अपने लोकेशन में। भाई मस्त था, मस्त एक्सपीरियंस था, जबरदस्त था। और ये क्या हो रहा है, ये भाई कुछ पजल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फलस्तीन, मतलब भाई जो इसराइल और फलस्तीन का जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई ना, इस समय जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ईरान के अंदर उसकी वजह से, तो भाई ये लोग एक एज ए मैसेज है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उस पर वहाँ लगा रहे 360, यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है घूमने के लिए वो इसको मतलब उनके हाथ में एक पिक्चर है पूरी की पूरी फ्री फलस्तीन, आप देखोगे यहाँ पे वो पिक्चर है, और सब लोग उसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, जो कर ले रहा है वो वहाँ सेट कर दे रहा है वहाँ पे, वो फ्री फलस्तीन है। तो ये पूरा का पूरा एक मैसेज ऐसा ऊपर तक जाएगा, और भी कोई मैसेज होगा वो देखो लोग लगा रहे हैं, ये तो ब्लैंक है, बाकी पिक्चर को फॉलो करके लगाना है, तो कुछ ऐसा है, और इसी के नीचे ये लोग यहाँ पे लगाए हैं, और चलते हैं मेट्रो। मेट्रो यहाँ पे 11 बजे तक, 10:30 हाँ 11 बजे तक मेट्रो का लास्ट टाइम मतलब चलती रहती है वो, और नज़ारा मस्त है। उधर क्या है देखते हैं, इधर कैफे 435, थोड़ा कैफ़े का यहाँ पे ज़्यादा कल्चर है, मतलब कॉफ़ी का ज़्यादा कल्चर है भाई ईरान के अंदर, पूरे हर जगह आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, एक से एक मिल जाएगा, ट्रेडिशनल मॉडर्न हर तरीके से हर जगह कॉफ़ी। और चलते क्रॉस करने का इधर से चलते जा रहे हैं भाई नीचे, जैसे आए थे वैसे वापस जाएंगे, और मेरे पीछे वो देख रहे हो भाई वो मिलाद टावर दिख रहा होगा ऊपर नाइट पे, मतलब ऐसा दिख रहा है, और दिखा दूँ मैं आपको ये शायद कैमरे में, हाँ ये नाइट पे कुछ ऐसा दिख रहा है, हम ऐसे चले आ रहे हैं नीचे बिल्कुल ढाल पे नीचे है, और उधर कन्वेंशनल सेंटर है एक ऊपर, वहाँ भी मैं गया था पर रिकॉर्ड नहीं किया था सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी वाले खड़े थे। अब चल रहे हम नीचे की ओर जैसे आए थे वैसे ही, और वो है हमारा स्टेशन जहाँ हमें जाके मेट्रो लेनी है, और कुछ लोग यहाँ से ही चले आ रहे थे मतलब चढ़ के, और अभी पुलिस वालों ने वहाँ पकड़ लिया कुछ लोगों को, क्योंकि इधर से भाई इलीगल है नहीं आ सकते हो, मगर कुछ लोग शॉर्टकट मारने में चले आ रहे थे, पुलिस वाले उनको रोक कर बैठा रखी है काफ़ी देर से, वहाँ पे भी देखा मैंने। तो हो गया भाई ये टूर अपना कम्प्लीट, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, पहला दिन बहुत अच्छा गया, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं भाई, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड नाइट।